जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल UPSC PSC विद मनीषा में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो का टॉपिक है कि IAS और IPS में क्या अंतर है, इसके बारे में मैं इस वीडियो में जानकारी दूंगी। ऑल इंडिया सिविल सर्विस में सबसे ज़्यादा चर्चित रहने वाले जो सर्विस हैं वो हैं IAS और IPS, लेकिन अभी भी कई एस्पिरेंट हैं और स्टूडेंट भी हैं जिनको इस बारे में जानकारी भी नहीं है, और कुछ को केवल नाम से जानकारी है, उनके बारे में जानकारी नहीं है। वो लोग चूज भी नहीं कर पाते हैं कि उनको IAS बनना है या IPS। तो चलिए इस वीडियो में थोड़ी डिटेल से जानकारी दे देती हूँ ताकि उनका कन्फ्यूजन भी थोड़ा दूर हो जाए। IAS और IPS में सबसे पहला अंतर होता है उनके नाम का। IAS का फुल फॉर्म होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जिसे हिंदी में भारतीय प्रशासनिक सेवा कहते हैं। वहीं IPS का जो नाम है उसका फुल फॉर्म इंडियन पुलिस सर्विस, जिसे हिंदी में भारतीय पुलिस सेवा कहते हैं। IAS और IPS का जो दूसरा अंतर होता है वो होता है व्यवस्था का। IAS प्रशासनिक व्यवस्था संभालते हैं, वहीं IPS पुलिस व्यवस्था संभालते हैं। अब तीसरा अंतर है वो है ड्रेस कोड का। IAS को कोई निश्चित यूनिफॉर्म नहीं दी जाती है कि उनको अपनी ड्यूटी करते हुए उस यूनिफॉर्म को पहनना है, लेकिन IPS को एक निश्चित यूनिफॉर्म दी जाती है। जब भी वो ड्यूटी करते हैं तो उस ड्यूटी करते वक्त उन्हें अपने ड्रेस कोड में होना जरूरी होगा। उसके बाद अब जो चौथा अंतर है वो है एक चिन्ह और बैच का। कई सारे मतलब विभिन्न पोस्ट में रहते हुए एक IAS ऑफिसर को उनको ऐसा कोई चिन्ह नहीं दिया जाता है जिससे यह पता चल सके कि वह अभी किस पोस्ट पर हैं, और उनको ना इस तरीके के कोई बैच दिया जाता है जिससे यह पता चल सके कि वो किस सर्विस के अधिकारी हैं, मतलब कि वो UPSC एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आए हैं या PCS एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आए हुए हैं। वहीं एक IPS ऑफिसर को यूनिफॉर्म में कंधों पर जो अशोक और स्टार के चिन्ह दिए जाते हैं जिससे यह पता चल पाता है कि वो इस वक्त किस पोस्ट पर हैं। साथ में बैच दिया जाता है जिससे यह पता चल सकता है या पता चल पाता है कि वो UPSC सिविल सर्विस एग्ज़ाम क्वालिफाई करके IPS बने हुए हैं या कि PCS एग्ज़ाम क्वालिफाई करके PPS अधिकारी हैं। उसके बाद पाँचवा अंतर आता है फैसिलिटी का। एक IAS ऑफिसर को खुद की रक्षा करने के लिए और जनता की रक्षा करने के लिए या सुरक्षा करने के लिए उन्हें सरकार की ओर से कोई हथियार नहीं दिया जाता है, लेकिन वहीं पर एक IPS ऑफिसर को खुद की रक्षा करने के लिए भी और जनता की सुरक्षा करने के लिए भी हथियार दिए जाते हैं। उसके बाद जो छठा अंतर है वो है पावर का। जैसे जैसे अलग अलग पोस्ट IAS या IPS को मिलता है उसी के अकॉर्डिंग उनका जो पावर है और उनके जो क्षेत्र अधिकार है वो बढ़ जाता है। उसके बाद जो अंतर होता है वो है प्रमोशन में बैठक की अध्यक्षता का। एक IAS ऑफिसर जब गृह विभाग में मुख्य सचिव के रूप में या कार्मिक एवं नियुक्ति विभाग के सचिव के रूप में काम कर रहे होते हैं, तो उस वक्त जब भी किसी IAS या IPS के प्रमोशन से संबंधित बैठक होती है तो वो उस बैठक की अध्यक्षता करते हैं। वहीं एक IPS ऑफिसर इस प्रकार के जब भी कोई बैठक होती है तो उसमें केवल पुलिस व्यवस्था से संबंधित जो प्रमोशन होता है केवल उसी की अध्यक्षता करते हैं, मतलब कि वो एक IAS ऑफिसर के प्रमोशन से संबंधित बैठक में कोई अध्यक्षता नहीं करते हैं। उसके बाद IAS और IPS में एक विशिष्ट अंतर ये है कि जब आप UPSC सिविल सर्विस एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं तो उस वक्त आपकी योग्यता देखी जाती है, तो IAS के लिए कोई विशिष्ट योग्यता नहीं चाहिए होती है, जबकि IPS के लिए कुछ विशिष्ट योग्यताएं चाहिए होती हैं। तो दोस्तों, यह रही IAS और IPS में अंतर। अगर आपको इससे जुड़े हुए कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें।